की लग रही है भाई, हमारे दर्शक, आपके लाखों फैंस सब देख तो लें, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की वेशभूषा के साथ आप कहाँ हैं इस समय और क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल मैं शूटिंग कर रही हूँ फिल्म राजमहल की मुंबई में, और उसी की शूटिंग चल रही है, बहुत सारा अभी लुक इनकम्प्लीट है, उसी का सीन लगा हुआ है। अच्छा। रेडी होने का ही सीन हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। महारानी का लुक यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजमहल फिल्म, नाम सुन के ही ऐसा लगता है कि भाई राजा और महाराजाओं की कहानी होगी, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें तो। बस आपने जितनी रोशनी डाल दी उतनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा रोशनी डाल दूँगी तो फिल्म क्यों देखेंगे लोग। बट हाँ, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा मायको भी नहीं कह सकते, उस समय की थोड़ी सी कहानी है, तो आई एम श्योर कुछ नया करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ऑडियंस जब देखेगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के हाजिर जवाब के लिए जानी जाती हैं आप। ये बताएं कि इस फिल्म में आप किस साथ, इस तरह के सवालों के लिए आप भी जाने जाते हैं। शुक्रिया मैम, आपके इतने कमेंट हमारे लिए काफ़ी हैं। सवाल ये है कि इस फिल्म में आपके साथ और भी क्या कुछ किरदार हैं, सुनने में आ रहा है एक्टर के साथ? नहीं नहीं, मैं अमरीश जी के साथ फिल्म कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने का रीज़न ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्रिप्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्क्रिप्ट है, तो नए बिल्कुल, क्योंकि इस किरदार को जब अमरीश जी करेंगे तो लोगों को नए अमरीश जी देखने मिलेंगे। सो आई एम श्योर ये स्क्रिप्ट उनके लिए भी इतनी ही एक्साइटिंग होगी जितनी मेरे लिए थी। तो आप हम दोनों के पैर को पहली बार देखेंगे और एक बहुत ही अलग अंदाज है। बिल्कुल, एक अहम सवाल जरूर आपसे ये होगा, जिस तरीके से आप देख रही हैं बॉलीवुड में दर्ज मेरे लिए आपसे ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह का नौकरी है, आपकी इंडस्ट्री में भी दर्ज की जैसी चीज़ें आप देखने को मिलती हैं, आपको लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने नशे में लीन होकर काम करते हुए देखा, वहाँ पर जितने लोगों के साथ मैंने काम किया उनको मैंने काम के नशे में लीन देखा है, और हमें बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करनी होती है, तो हाँ, काम का नशा हमारे सर पर चढ़ा रहता है और हम यही कोशिश करते हैं कि कम समय में अच्छा काम हम कैसे करें। एक आखिरी सवाल के बाद समापन करेंगे इस वीडियो का। एक बहुत बड़े लेवल पर बॉलीवुड में अपने पैर पसार चुका है, सालों बाद खुलासे होते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं, यहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं या फिर आप एक्चुअली क्या करेंगे? जी, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जिन भी लोगों के साथ काम किया, डायरेक्टर के बुलाइए, बहुत अच्छा रहा कि मुझे हमेशा बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत अच्छी टीम्स मिली है, तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो नहीं, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद जवाब नहीं दूंगी, मैं वहीं थप्पड़ चला दूंगी, तो मेरी उम्मीद यही है और मैं भगवान से यही कामना करती हूं कि ऐसा कुछ ना हो, और मेरी आंखों के सामने मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा कि नहीं ना, क्योंकि आई एम वेरी श्योर अगर मैंने देखा होगा तो मैंने वहीं पर रोक दिया होगा, उसी समय से इस सिचुएशन को हाईलाइट कर दिया, तो मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसा जब होता है और इसके बारे में जब सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, ऐसा लगता है कि एक लड़की अपने घर से आई है और काम करने की कोशिश कर रही है, तो जब उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो बहुत ख़राब लगता है सब लोग, तो मैं यही होप करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जैसे इक्वल वेजेस और इक्वालिटी इन द ट्रीटमेंट ऑन सेट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, इस सब की शुरुआत वहीं हो जाती है जहाँ पर आप लड़कियों को मटेरियल की तरह ना देखें, मटेरियलिस्टिक तरीके से ना देखें, उनकी इज्जत करें, वो जो किरदार निभाने के लिए सर पर आई हैं उस चीज़ पे तवज्जो दें, ये सब अगर होना शुरू हो जाएगा पहले ही कदम से तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ये चीज़ होनी चाहिए, और हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम अपने सर पर ऐसा ही माहौल रखें जहाँ पे सब लोगों को इक्वल फील हो, तो ये एक स्टार्टिंग स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपसे बात करते करते एक अहम सवाल और अगर प्लीज़ मैं वो जानना चाहता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हाल ही में गाना है मनोज वाजपेयी साहब का बम्बई में साहबा, बहुत बड़े लेवल पर चर्चित हुआ, गाने के साथ मनोज वाजपेयी जी जो है वो भोजपुरी में रेडी कर चुके हैं, अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, प्रीति सिन्हा जी के भोजपुरी बच्चे में आ रहे हैं, ऐसे क्या आप लोग उनके उन्हें अपनाएंगे, आप उनके साथ काम करेंगे या किस तरह का व्यवहार बताओ? देर आए दुरुस्त आए, हम क्या अपनाएंगे, उन्हें भोजपुरी को अपनाना था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी आंखें खुल गई,
कि उनकी मातृभाषा के प्रति भी उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो अब मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें हम और भी कर पाएंगे जब अच्छे बड़े मेकर्स ने भाषा को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है और अब इज्जत देने का ख्याल उनके दिमाग में आया है अपनी मातृभाषा में। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा और भोजपुरी के लिए पहले दिन से हम सब खड़े हैं, तो हम तो अपनी आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। पर बॉलीवुड वाले जब भोजपुरी में आ रहे हैं, भोजपुरी वाले मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो अपने घरों को छोड़कर गए बॉलीवुड में, अब वापस घर वापसी कर रहे हैं, तो बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। और हम सब शुक्रगुजार हैं कि आपका फाइनली ख्याल आया। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनसे बात करने। बहुत ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री आम्रपाली दुबे, बहुत सारी बातों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। कोई सवाल हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, वादा है जल्द जवाब लेके हाजिर होंगी। नमस्कार।